स्वागत है आपका जनहित आवाज में। मैं हूँ आपके साथ पूजा, और आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक छोटी सी नन्ही मेहमान हमारे साथ है, और जिसका नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। आज आपको रूबरू कराते हैं उसी नन्ही मेहमान से कि क्या कुछ सोचती है, देश के मुद्दों पे इतनी तवज्जो देती है और देश के मुद्दों पे गर्म होकर इतनी बातें रखती हैं अपनी। इनसे बात करते हैं। तो सुभाषिनी मिश्रा, सबसे पहले ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। क्लास में पढ़ती हो, अच्छा। जिस तरीके से तुम्हारी वीडियोज़ लोगों में वायरल होती हैं, तो क्या कुछ मुद्दे हैं? मोदी जी ऐसा क्या कर रहे हैं कि तुम छोटी सी इतनी उम्र में मोदी जी को इतना कुछ जान चुकी हो, इतना पढ़ चुकी हो, राजनीति में इतना इंटरेस्ट है आपका? देखिए, मेरा राजनीति में इंटरेस्ट है, और मोदी जी से मैं इसलिए खफा हूँ क्योंकि जो उनके काम है, पहले उन्होंने एक कृषि बिल बनाया जिसमें किसान बहुत दुखी हुए, GST का एक उन्होंने खोला, गब्बर सिंह टैक्स जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, उसमें व्यापारियों का इतना नुकसान हुआ, नोटबंदी हुई तो हमारे नोटबंदी में किसने की शादियां टूट गई, कितने बापों ने आत्महत्या कर ली, लॉकडाउन में मजदूरों के ऊपर आ गए। तो इस बात से मैं बहुत खफा हूँ क्योंकि जो लोग हैं हिंदुस्तान में उनके साथ तो वो दे ही नहीं रहे हैं ना। किसानों का दिल तोड़ दिया, व्यापारियों का दिल तोड़ दिया, आम जनता का दिल तोड़ दिया, और जो मजदूर है उनका भी दिल तोड़ दिया, फिर हिंदुस्तान में बचा कौन है? पीछे तो हट गए ना मोदी जी, जब किसान जब बैठे तो उनको लगा कि भाई ये गलत हो रहा है तो वो पीछे हट गए। 750 किसानों की जब डेथ हो गई तब जाके वो पीछे हटे। 750 लोगों की डेथ हुई है, मौत हुई है, शहीद हुए हैं वो लोग, तब जाके पीछे हटे ना। एक दो दिनों में हट जाते कि भाई हमसे गलती हो गई या गलत आ गया, या किसान से पूछ के ही टैग बना देते हैं ऐसा बिल। आप गई थी किसान आंदोलन में? जी बिल्कुल, मैं गई थी किसान आंदोलन। तो स्कूल नहीं पढ़ रही थी? अच्छा, कोरोना चल रहा था, ये सब चल रहा था। जी बिल्कुल, स्कूल जा रही थी, स्कूल तो क्लासेस होती थी, ऑनलाइन क्लासेस होती थी जी। अच्छा, कैसे ये सब मुद्दों पे तुम्हारी पकड़ है, और इतनी छोटी सी हो, इतनी बगावत करती हो, इतना तुम्हारा वीडियो वायरल होता है? देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और हिंदुस्तान का तो छोटा छोटा बच्चा भी जानता है अभी सरकार में कौन है। हमारे स्कूल में भी बताया जाता है, न्यूज़ डेली बताई जाती है, या न्यूज़ हम लोग टीवी में देख ही लेते हैं, तो उससे हमारे को बहुत समझ पर। टीवी मीडिया देखती हो? जी बिल्कुल, मैं टीवी मीडिया देखती हूँ। चैनल देखती हो? मैं ज़्यादातर इंडियन न्यूज़ ही देखती हूँ, ABP, आज तक, लेकिन कभी कभार अल जज़ीरा देखना पड़ता है क्योंकि ये सब मुझे गोदी मीडिया लगते हैं, तो मैं इनका ज़्यादा मुद्दे में नहीं रहती हूँ उनके साथ, लेकिन हाँ फिर भी जो देश की खबरें होती हैं मैं ABP आज तक से देखती हूँ। अच्छा, अभी जो भगवा को लेकर लगातार, दीपिका की ड्रेस को लेकर के शाहरुख खान पे जो है लगातार जो है वार हो रहा है कि भाई एक तो खान, ऊपर से उसने बना दी पठान और ऊपर से पहन लिया भगवा, तो इस पे क्या सोचती हैं आप? देखिए, रंग रंग होता है, चाहे उसे शाहरुख खान पहने, चाहे उसे योगी पहने, चाहे उसे कोई पहने, रंग रंग होता है। अगर कोई मुस्लिम भगवा रंग पहन लेगा तो उससे उसकी गलती क्या है भाई? भगवा रंग माना हिंदुत्व का रंग है, लेकिन रंग का तो कोई धर्म नहीं होता। रंग ने किसने कहा कि भाई मैं हिंदू हूँ? आहत हो रही है ना धार्मिक भावनाएं, जो धार्मिक लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, उनकी भावनाएं गलत जगह जा रही हैं, इसलिए उनकी भावना आहत हो रही हैं। अगर पठान में उसने भगवा रंग पहन लिया तो उसमें गलती क्या है? रंग तो रंग होता है, उसने कपड़े पहने हैं ना। अगर वो ऐसे होता कि उन्होंने हरा रंग पहन लिया होता तब आपको दिक्कत नहीं होती। पूरे 2 मिनट के गाने में से 5 सेकंड की एक फुटेज आई है, वो भी भगवे रंग में, उस पे आप लोग टिप्पणी कर रहे हैं। अगर कंगना रनौत असली ब्राह्मण है दीपिका? जी बिल्कुल, दीपिका साउथ की ब्राह्मण है, लेकिन कलाकार तो कला ही दिखाएगा ना, कलाकार कला ही दिखाएगा, और क्या करेगा वो बेचारा? वो अगर नाच रही हैं क्या दिक्कत है? मैं यही चाहती हूँ BJP पार्टी से, जो ये लोग कह रहे हैं विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं? रंग का कर रहे हैं, कलाकार का कर रहे हैं, अभिनेत्री का कर रहे हैं, ये उनके नृत्य का कर रहे हैं, ये कर किस चीज़ का विरोध है? तो अश्लीलता की होनी चाहिए, लेकिन रंग जो है वो बहुत आड़े हाथ आ रहा है। देखिए, मैं पठान मूवी का सपोर्ट भी करती हूँ और विरोध भी करती हूँ, क्योंकि जहाँ इस तरफ इन्होंने अश्लीलता फैलाई उसका मैं विरोध करती हूँ। ऐसे और भी बहुतों फिल्म आई हैं जिनमें इस तरीके की जो है दिखाई गई है, कपड़े पहने हैं, अश्लीलता है, मगर ये सबसे बड़ा सवाल तो सेंसर बोर्ड पे पड़ता है कि सेंसर बोर्ड उसे पास कैसे कर देता है। देखिए, पूरी मूवी में तो नहीं लगता कि ऐसे अश्लीलता होगी, लेकिन एक गाने में आया है तो उससे दिक्कत क्या? गाना आप चेंज कर दीजिए, या गाने की फुटेज चेंज हो जानी चाहिए, या गाना बंद हो जाना चाहिए, लेकिन अब गाना वायरल हो चुका है
तो मैं उस पर ये कहना चाहती हूँ कि शाहरुख खान को पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो मुसलमान है, खान है वो, उनकी पठान मूवी भी है तो वो मुस्लिमों के सपोर्ट में जा रहा है, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मुस्लिम जो फिल्म्स बना रहे हैं ठीक है, लेकिन 50 ऐसे एक्स्ट्रा में से अब जो है शाहरुख खान को बाहर बुलाया गया कतार में, पता है ना कि 50 उनमें से चुनकर के शाहरुख खान को बुलाया गया, लेकिन यहाँ पर हमारे देश में शाहरुख खान का बायकॉट हो रहा है। देखिए शाहरुख खान किंग खान है, ये तो सब लोग जानते ही हैं। हाँ। उनके देशों विदेश में फॉलोवर हैं। हाँ। मूवी तो ऐसा नहीं लगता मुझे हिट नहीं जाएगी। हाँ। मूवी आती है उनकी, जो मूवी आती है वो तो हिट ही जाती है। हाँ। और इस दौर में तो बिल्कुल जाएगी। हाँ। क्योंकि इतना नाम ये गोदी मीडिया ने सपोर्ट करने का बीजेपी का था। हाँ। सपोर्ट इन्होंने कर दिया पठान मूवी का, तो नाम इतना चर्चा में डाल दिया है कि लोगों की जुबान में आ गया और वो क्यूरियोसिटी बन रही है। लोग कह रहे जब फिल्म आएगी तो हम सिनेमा हॉल जला देंगे। मध्य प्रदेश में इसको लेकर के तनातनी भी हो गई और आगजनी भी की गई है। देखिए कानून कोई महत्व नहीं देता क्या कोई? ऐसा काम थिएटर जलाने का तो आतंकवादी ही करते हैं, हिंसक लोग ही करते हैं। और एक तरफ तो यहाँ कह दिया है गुजरात में कि हमारे नए दौर के हमारे राष्ट्रपति हैं, मोदी जी हैं, है ना, अमृता फडणवीस हैं, कह दिया है। तो ये लोग तो भगवान ही मानते हैं, कुछ दिनों में भगवान बना देंगे उनको। अवतार तो बोलते ही है प्रधानमंत्री जी को। देखिए वो इंसान हैं जिनका दिल दुखाया है, उनसे पूछे उनके लिए बड़े कितने हैवान है वो, कितने बड़े शैतान है उन लोगों के लिए। बड़ी बात बोल रही हो प्रधानमंत्री के लिए, इतनी छोटी सी। देखिए वो प्रधानमंत्री हैं वो। हाँ। मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन जिन लोगों के उन्होंने किसी का बेटा छीन लिया, किसी का बाप चला गया, किसी के घर का मुखिया चला गया, किसी के दादा चले गए, किसी का भाई चला गया, वो भी उन चीज को, वो चीज भी उन्हें देखनी चाहिए ना। आप इतना न्यूज में रहती हो, प्रज्ञा ठाकुर का एक बयान आया है कि बोलती है कि भैया जो हमारे रंग को इस तरीके से प्रतीत करेगा या फिर इस तरीके से ये करेंगे तो अब जो है चाकू छुरियां तेज कर लो और सीधा मार काट करो, ऐसे बोलती है। देखिए फिर तो पुलिस को कोई महत्व नहीं दे रहा क्योंकि इनको पता है हमारे ऊपर किसका हाथ है, जबकि सांसद हैं बीजेपी की, वो जानती है ना हमारे सिर के ऊपर किसका हाथ है। जिस दिन ये हाथ हट जाएगा उस दिन अपने आप अपनी जुबान पे लगाम दे देंगी वो। जी किसका हाथ है? देखिए ये मैं तो कहूंगी कि ये बीजेपी पार्टी पूरी ऐसी है। हाँ। जो दंगे फैलाने की बात कर रही है इस पे मोदी जी का हाथ है, मोदी जी का हाथ है बीजेपी पार्टी के। अभी वही मुखिया, अगर वो अभी भी चाहें तो वो उनको हटा सकते हैं सांसद के पद से, क्योंकि ये ऐसा बयान है जो दंगे फैला सकता है, ये ऐसा बयान है। आज तो उनकी आत्मा को इतना परेशान मत कीजिए क्योंकि ये निधन हो गया है, प्रधानमंत्री जी की माता जी का निधन हो गया है, हीरा बहन का, तो अब जो है वो शोक में है। आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, देखिए वो शोक में है लेकिन वो काम भी तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अपनी मम्मी की चिता को अग्नि देके वो तुरंत अपने बंगाल से मीटिंग में जुड़ गए थे। ये न्यूज पे चल ही रहा है, मैं तो आपको न्यूज की बात बता रही हूँ ना। अगर इतना शोक में है तो एक प्रधानमंत्री है, उन्हें सब चीजें देखनी पड़ती है ना। तो वही तो मैं कह रही हूँ, प्रधानमंत्री है तो ये थोड़ी ना उनकी मम्मी का निधन हुआ है इसलिए वो काम बंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री है तो जो विरोध कर रहे हैं वो उनका साथ देंगे। शोक में तो है ही ना, मतलब देखिये वो शोक में है। ऐसे तो कई लोगों के माता पिता चले जाते हैं या कई अनाथ हो जाते हैं, उन लोगों का हम उनको भी शोक देखना चाहिए। जहाँ अच्छा अकेले वो नहीं है, ऐसे किसान आंदोलन में कईयों के घर उजड़ गए हैं। अच्छा भारत जोड़ो यात्रा चल रही है लगातार, अब राहुल गांधी जी जो हैं यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, उनकी छवि में कुछ सुधार आया है क्या? लगता है कि राहुल गांधी जी इस बार दूसरे नंबर के कुछ बन पाएंगे? देखिए राहुल गांधी का नाम अब भारी सा लगने लगा है, लगने लगा है कि कोई पहचान है राहुल गांधी। हल्का था, देखिए पहले वो उनको इतना राजनीति में मैं नहीं कह सकती उनके बारे में, लेकिन हाँ जहाँ पीढ़िया प्रधानमंत्री बनी है, उनके पिताजी प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, फिर दादी के भी पापा प्रधानमंत्री, तो पीढ़ी ऐसी है। और अगर अभी भी एजुकेशन में टेस्ट होने लग जाए प्रधानमंत्री बनने का तो शायद से राहुल गांधी सबसे आगे रहेंगे। तो मतलब कहना चाह रही हो कि प्रधानमंत्री जी पीछे रह जाएंगे? उनके पास पॉलिटिकल इंटायर की डिग्री है भाई। देखिए किसको पता डिग्री फेक है, अब तो डिग्रियां भी ऐसे बन जाती हैं, प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं या कहीं नकली डिग्री बन जाती हैं, तो उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ नन्नी मेहमान जो वेट क्या नाम था सुभाष संदीपनी तो अभी हमारे साथ थी नन्नी मेहमान संदीपनी, जिससे हमने तमाम मुद्दों पर बात की और कितनी
कितनी उससे देखिए बच्ची छठी क्लास में पढ़ती है और कितना मुद्दों पर इनकी पकड़ है, ध्यान है, कितना ये उसमें चर्चा में रहती भी हैं और हर मुद्दे पे जो है ये इतना सक्षम तरीके से बोलती हैं। ये छोटी सी बच्ची है, सोचिए मोदी जी आपके कार जो आप काम कर रहे हैं, आपके कार्य जो है उस कार्यों से छोटे इन बच्चों पर भी देखिए कितना फर्क है कि ये बच्चे भी जो है समझदार हो रहे हैं, देख रहे हैं। तो मोदी जी थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दीजिए कि छोटी सी एक बच्ची की इसकी बात को सुनिए कि आज हमने उससे इंटरव्यू किया, इसकी बात को भी आप समझिए कि जो देश में चल रहा है कि आखिर वो इसका विरोध क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि छोटे से छोटा बच्चा भी जो है इतना कुछ बोल रहा है। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब।